So hello, welcome back to this video. Today I'm gonna show you how to use king on chessboard. तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि किंग के क्या मूव्स होते हैं और किंग को किस तरह हम यूज करते हैं चेस में। तो चलिए फटाफट से बताता हूँ किंग कौन होता है, किस तरह से यूज करते हैं। सारे पीस हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि किंग को किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं जमा लिया है किंग को चेसबोर्ड के ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ई फाइल के ऊपर जो है किंग बैठता है, यहाँ पर भी ई फाइल पर ब्लैक का किंग बैठेगा। तो जो व्हाइट का किंग है वो ब्लैक स्क्वायर पर, और जो ब्लैक का किंग है वो व्हाइट स्क्वायर पर बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सिक्वेंस होगा। अगर आप यहाँ पर राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ रैंक पर बैठेगा, लेफ्ट साइड से फाइव पर होगा। ठीक है, चलिए उसको तो बात करेंगे बाद में। अब मैं बात बताता हूँ कि किंग को हम चलते कैसे। चलिए सेंटर पर रख लेता हूँ। सेंटर में अगर मैं किंग को रखता हूँ तो किंग ना किसी भी एक जगह चल सकता है, मतलब उसके पास एक ही मूव होता है। सबसे कम पावर कह लो या फिर अपने पॉन से ज्यादा पावर सिर्फ किंग में होती है, बाकी नाइट के अपने मूव होते हैं, बिशप के भी होते हैं, रुक्स के भी होते हैं, और इवन क्वीन का तो सबको पता ही है। मगर किंग जो होता है ना, वो सिर्फ एक ही मूव चल सकता है। एक ही मूव का मतलब क्या है, मतलब वो एक मूव आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे तिरछे वैसे कैसे भी चल सकता है। ठीक है, जैसे एक कदम वो यहाँ जा सकता है, अगर वो यहाँ पर बैठा हुआ है तो एक कदम ऊपर जा सकता है, एक कदम नीचे जा सकता है, एक कदम उधर जा सकता है। जैसे इसके पास भी बोले तो बिशप और रुक की पावर है, मगर लॉन्ग नहीं, सिर्फ एक कदम में। यहाँ पर जा सकता है एक कदम, यहाँ पर जा सकता है एक कदम, यहाँ पर जा सकता है एक कदम, यहाँ पर जा सकता है एक कदम। बोले तो ये जो नाइन स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर, और ये जिस पर वो बैठा है वो 9 स्क्वायर जो है उस पर वो रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 एंड यहाँ पर 1 2 3, इस तरह से किंग कहीं पर भी एक कदम चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ रख दिया, अब अपोनेंट की चाल है, उसने अपने किंग को यहाँ रख दिया, आपने यहाँ चल दिया, उसने अपने किंग को यहाँ चल दिया। तो आप नोटिस करेंगे कि किंग जो है तीन रैंक्स को कवर करके चलता है। तो सामने वाले किंग के पास कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि वो सामने आकर किंग के बाजू में ही बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये एक इलीगल मूव है, क्योंकि फिर ये वाला किंग एक मूवमेंट से अटैक करके मार देगा। इलीगल मूव है, जनरली चेस पे खेलते ही नहीं है ऐसा मूव। क्यों? क्योंकि ये वाला किंग जो है वो इन तीन खानों को कवर अप कर रहा है, और ये वाला किंग भी तीन खानों को कवर अप कर रहा है, मतलब तीनों के तीनों स्क्वायर कवर अप है। ठीक है, तो इस तरह ब्लैक की किंग को चलना। अगर ब्लैक की किंग की बात करूं, व्हाइट की किंग को साइड पर रखो, सेंटर में ब्लैक की किंग है, आप मुझे बताओ कि कौन से वो एट कॉर्नर है, एट स्क्वायर है जहां पर वो जा सकता है। यस, 1 2 3 ये हो गया, बॉटम 1 2 3 ये हो गया, और एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, इस तरह से वो जा सकता है। ठीक है, और चलिए मैं अगर यहां पर जैसे ये वाला किंग रखा है यहां पर, अब मुझे बताइए ये कहां कहां जा सकता है। सिंपल, नीचे तीन जगह जा सकता है, यहां पर जा सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ठीक है, अगर यहां पर अगर किंग रखा हुआ तो कहां कहां जा सकता है, एक कदम आगे आ सकता है, एक कदम पीछे जा सकता है, इधर इधर इधर, ये तीन, ये जितनी भी ये खाने दिख रहे हैं बोले तो तीन, तो पांच खानों पर वो चल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ बॉटम पर रखा है तो 1 2 3, सबसे कम जो स्क्वायर होते हैं वो ये बॉटम वाले स्क्वायर पर ही होता है, और बाकी सारे स्क्वायर पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ज्यादा होते हैं उससे। ठीक है, अगर यहाँ पर भी रखा है तो 9 स्क्वायर उसके पास हमेशा होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट अगर वहां उसी का पीस ना रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर, यहाँ पर, लेट सपोज मैं कुछ पीसेस जमा देता हूँ और ये मैंने रख दिया। अब मुझे बताइए कि किंग के, वाइट के किंग के पास कौन कौन सा स्क्वायर है। तो जहां पर उसके ही पीसेस रखे हैं वो स्क्वायर उसका नहीं है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे व्हाइट के स्क्वायर है, मगर यहां पर नहीं चल सकता, यहां पर नहीं चल सकता, अपने पीसेस को ऊपर से जंप भी नहीं कर सकता। तो ये किंग के मूव्स हो गए। ठीक है, मगर अगर ओपोनेंट है और ओपोनेंट को लेट सपोज यहां पर क्या करा है, यहां पर कुछ इस तरह रख देता हूं, और इस किंग को यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं। ठीक है, ओपोनेंट है, एक कदम यहां पर व्हाइट अपना मूव चला, एक कदम अपने पॉन को फॉरवर्ड किया। अब जो किंग के पास कितने मूव है वो आपको मुझे बताना है, ब्लैक के किंग के पास एग्जैक्टली ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे मूव तो है ही है, ये भी है, क्योंकि ये व्हाइट ओपोनेंट का पीस है तो इसे वो एक मूव में कैप्चर कर सकता है। सिमिलरली अगर कोई बड़ा पीस भी होगा ना एक मूव के अंडर में जो आ रहा होगा, जो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा या अभी किसी सपोर्टेड नहीं है ये वाला, तो इसे एक मूव में अटैक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कोई बड़ा पीस रख दूं, लेट्स सपोज चेक दिया है बिशप ने ब्लैक के डायगोनल से किंग के ऊपर व्हाइट के किंग को, व्हाइट किंग चाहे तो एक मूव में उसे अटैक करके मार सकता है, तो इस तरह से अटैकिंग कर सकता है किंग। ठीक है, अब क्योंकि किंग जो है ना उसी पर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूरे चेस में है ना तो वो यही है, किंग ही है और कुछ नहीं है। इसी को डिफेंड करने के लिए सारे के सारे पीसेस होते हैं। तो किंग इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑन द चेस बोर्ड, तो पूरा गेम इसी के इर्द गिर्द हो रहा होता है। ठीक है, तो अब बताता हूँ मैं इस पर अटैक कैसे करते हैं। तो आपको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किंग के ऊपर अटैक बहुत सारे होते हैं, जैसे हम कहते हैं चेक, और जब हम
किंग डिफेंड नहीं कर पाता है तो वो होता है चेकमेट। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बिशप है ब्लैक का, तो मैं वाइट का बिशप बना, मतलब ब्लैक का है वाइट स्क्वायर ब्लैक का है, और यहां से मैंने यहां चल दिया है, तो आप देखेंगे डायरेक्ट किंग पे अटैक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किंग पर अटैक होगा, क्या किंग इसे मार पा रहा है? नहीं, तो किंग को अपनी पोजिशन शिफ्ट करनी पड़ेगी। अभी ऐसे चेक है, मगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई पोजिशन है जहां पर, ऐसी कोई पोजिशन है, लेट सपोज यहाँ ऑप्शन है, ठीक है, इस तरह से कुछ पोजिशन है, किंग यहाँ पर रखा हुआ है, क्वीन ने चेक दिया है, ठीक है, डायरेक्ट अटैक है, चेक है, यहाँ पर किंग इस तरफ फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, क्वीन अगेन यहाँ पर चेक दे रही है, वापस से किंग इधर आ जाता है, क्वीन अगेन चेक दे रही है, वापस से इस तरफ फॉरवर्ड हो जाता है, और क्वीन इधर अगेन चेक दे रही है, इस तरह से वन बाय चेक देते 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 एक पोजिशन आएगी यहाँ पर सब चेक दे दिया है। अब क्या किंग इसे मार सकता है? हाँ बिल्कुल मार सकता है, क्योंकि ये वन मूव में आ रहा है, मगर ये डिफेंड कर रहा है, ये पीस ऑलरेडी डिफेंड कर रहा था, इसलिए ये अब डायरेक्ट किंग को अटैक कर सकता है, किंग को मार सकता है, तो इसलिए जो है यहां पर ये चेक और मैट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये जो पोजीशन होगी जहां पर किंग पीस जो किंग को जिस पीस से अटैक हो रहा है वो डिफेंडेड भी है, तो ये चेकमेट की पोजीशन हो जाएगी। किंग के पास कोई भागने का रास्ता नहीं है, कहीं पर भी जाएगा क्वीन उसे मार देगी, यहाँ रखेगा तो क्वीन मार देगी, यहाँ रखेगा तो भी क्वीन मार देगी, यहाँ रखेगा तो भी क्वीन मार देगी, और यहाँ रखेगा को भी क्वीन उसे मार देगी। ठीक है, तो किंग सिर्फ एक मूव चल सकता है, और अगर उसके पास कोई भी मूव नहीं बचे तो वो मर जाएगा। ठीक है, लेट सपोज अब दूसरा कोई तरीका बताता हूँ जिससे हम मैट मार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाइट का किंग है मेरे पास, चलिए वाइट की किंग ही रहने देता हूँ, और व्हाइट का एक ये उठा लेता हूँ, रुक। अब इस तरह करते करते अपन यहाँ तक आ गए, ये रुक यहाँ पे, अब इसके पास कोई मूव नहीं, ब्लैक का मूव था, ब्लैक ने बॉटम में रखा, व्हाइट ने एक कदम नीचे रख दिया, ब्लैक ने इधर कर दिया, व्हाइट ने इधर कर दिया, ठीक है, ब्लैक ने इधर कर दिया, व्हाइट ने इधर कर दिया, ब्लैक ने इधर कर दिया, व्हाइट ने इधर कर दिया, ब्लैक ने इधर कर दिया, ठीक है, ये इस तरह से कुछ मूव हो गए, ये कुछ मेरे रैंडम मूव्स नहीं है। अब मान लो व्हाइट ने नीचे बॉटम में कर दिया है, तो ये देखो ये क्या है, ये रुक गया, रुक डायरेक्ट अटैक कर रहा है ब्लैक के किंग के ऊपर। अब ब्लैक के किंग के पास एक मूव होता है, क्या एक मूव में आ रहा है? नहीं आ रहा, एक मूव में यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ जाएगा, तो ये तो कवर अप करके रखे ऑलरेडी किंग ने, तो यहाँ तो जा ही नहीं सकता, इस पूरी फाइल को कवर अप करके रखा है रुक ने, तो यहाँ पर भी कहीं नहीं जा सकता, दैट मीन्स ये पोजिशन होगी चेकमेट की पोजिशन। तो इस तरह से चेकमेट की पोजिशन क्रिएट की जाती है जहां पर किंग को भागने की जगह नहीं होती है, और गेम जो है ओपोनेंट जीत जाता है, यहां पर व्हाइट जो है वो गेम जीत चुका है, ब्लैक जो है अपना गेम लूज कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से चेकमेट किया जाता है, और सिंपली जब मान लो यहां पर किंग है, ठीक है, और रुक गया, यहां से उठा और यहां पर उसे चेक दे दिया, तो किंग के पास भागने की जगह है कि, या फिर वो उसको अटैक कर रहा है, या कोई डिफेंड कर रहा है, कुछ भी डिफेंड करने को नहीं है, मगर उसके पास भागने की जगह है, वो एक कदम यहां पर भाग सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, पर यहाँ आ सकता है, यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये रुक की फाइल रखी है, और इस पर अटैक बना दिए, जब इस पर चेक लग रहा था एक कदम यहाँ इसके ऊपर अटैक बनाया। ठीक है, अब ये चाहे तो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, तो ये क्या हुआ, जब यहां पर था ना तो सिर्फ चेक लगा है, मैट नहीं हुआ है। अगेन जब सिर्फ उस पर खतरा मंडरा है तो उसको कहेंगे चेक, और जब खतरा ओवरकम कर सकते हैं तो बहुत सिंपल चेक है, मगर जब खतरा मंडरा रहा है और उसे ओवरकम भी नहीं कर पा रहा है अपोनेंट, दैट मींस ये मैट, चेक एंड मैट, शे और मात, और जब दूर तक रहे तो सिर्फ शे। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक मैट की कुछ पोजीशन बनाते हैं। चलिए मैं एक आध और पोजीशन लेता हूं जिससे चेक और मैट किया जा सकता है। लेट सपोज यहां पर किंग रखा है, यहां पर भी किंग रखा है, और दो बिशप ले लेता हूँ, बिशप ड्यूअल बिशप का एक और बिशप, ये ठीक है, ये एक होगा व्हाइट का, एक होगा ब्लैक का, ब्लैक ने ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशन है, ब्लैक ने यहाँ पर देखेंगे आप, ये वाला जो व्हाइट का अपना ऊंट है और विशप है, उसने इस वाले स्क्वायर को कवर अप करके रखा है। ठीक है, तो किंग यहाँ तो नहीं जा सकता। ठीक है, अभी मूव वैसे भी ब्लैक व्हाइट की है, व्हाइट का एक व्हाइट का दूसरा विशप है, व्हाइट के विशप ने यहाँ पर चला और दिया चेक, क्या किंग ऊपर आ सकता है? नहीं, यहाँ पर नहीं आ सकता, किंग साइड में जा सकता है? नहीं, नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला स्क्वायर को कवर अप करके रख रहा है। ठीक है, तो व्हाइट कहाँ, ये वाला किंग कहाँ जाए मूव करेगा? ये मूव करेगा इधर, ठीक है, इधर कर दिया इसने मूव, अब ये जो व्हाइट वाला है वो एक कदम इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और इस पर चेक देगा, अब देखो ये डायरेक्ट चेक है ना यहाँ से, तो इस पर अब अटैक हो चुका है। अब देखो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि इस वाले ने ऑलरेडी ये कवर अप करके रखी है फाइल, मतलब ये डायग्राम, तो यहाँ पर नहीं जा सकता, ऊपर आ सकता है? नहीं, यहाँ ये वाले से तो अटैक हो ही रहा है, मतलब ये चेक मैट की पोजिशन हो चुकी है, साथ ही साथ शे और मात हो चुकी है। तो इस तरह से हम मैट मारते हैं, चेक मैट करते हैं किंग को, किंग को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब बाकी की वीडियो, बाकी की बातें दूसरी वीडियो में करूंगा मैं, कैशल वेशल वगैरह कैसे करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।